Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you all are doing absolutely fine. So today in this video, we are going to give you the final review of this particular Sony WI-XV400. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जी हाँ, आज बात करेंगे सोनी WI-XV400 के। ये वायरलेस नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन है। इस वाले वीडियो में मैं इसका फाइनल रिव्यू दूंगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका वायर्स का क्वालिटी कैसा है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ इसी WI-XV400 के बारे में। बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी तरफ से आने वाला ईयरफोन का प्राइस 2999 है। जी हाँ, 3000 में क्या ये ड्यूरेबल है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके वायर्स का क्वालिटी कैसा है। जी हाँ, मैं इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसका वायर्स का क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी ड्यूरेबल है। वायर्स का क्वालिटी अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं आया। वायर्स का क्वालिटी इसलिए भी ड्यूरेबल है क्योंकि इस पर जो टेक्स्ट लिखे हुए थे एक साल पहले, अभी तक वो टेक्स्ट इस पर लिखे हुए, इससे ये डिफाइन होता है कि वायर्स का क्वालिटी वाकई में बढ़िया है। ये नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन है तो आपको ऑब्वियस सी बात है इसमें दो कंपार्टमेंट मिलेंगे। पहले में बैटरी का हाउसिंग है, यहाँ पर सोनी का ब्रांडिंग है। दूसरे में आपको माइनस और प्लस का बटन्स और बीच में पावर ऑन ऑफ का बटन दिया जाता है। और इधर आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन है। इसके बैटरी लाइफ की बात करें तो ये 15 आवर्स का बैटरी लाइफ है। मैं इसको जहाँ तक यूज़ कर पाया हूँ एक साल में तो ये मुझे अराउंड 13 आवर्स का बैटरी लाइफ ईजिली दे देता है। ब्लूटूथ इफेक्टिव रेंज की बात करूँ तो ये 10 मीटर यानी कि 30 फीट तक इसका ब्लूटूथ रेंज है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो है ब्लूटूथ 5.2। जी हाँ, ये क्विक चार्ज सपोर्ट करता है। अगर आप इस नेकबैंड को 10 मिनट तक चार्ज करते हैं तो ये आपको इजीली 60 मिनट का प्लेबैक देगा। जी हाँ, ये मैंने खुद टेस्ट किया है। जी हाँ, ये मैग्नेटिक हाउसिंग फॉर टेंगल फ्री लिसनिंग के साथ आता है। इस वाले ईयरफोन में मैग्नेटिक बॉन्डिंग आपको उतना स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसके ईयर टिप्स की बात करूँ तो इधर आर और इधर एल का मार्किंग किया गया है और ये ईयर टिप्स ईजिली कानों में फिट होते हैं, कोई भी पेन नहीं होता। अगर मैं इसके नॉइज कैंसिलेशन की बात करूं तो काफ़ी ये अच्छा है, आपको सराउंडिंग का साउंड कम ही इसमें सुनाई पड़ेगा। और इस वाले ईयरफोन में जो ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया गया है वो 12mm ड्राइवर है और ये काफ़ी लाइट वेट भी है। ये 21g डिजाइन के साथ आता है। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं, यहां ये वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि साउंड आउटपुट इसका काफ़ी तगड़ा है। अगर मैं सारे हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करूं उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी भी है। तो ये था सोनी WI-XV400 का ओवरव्यू और फिजिकल इंप्रेशन और एक फाइनल रिव्यू। आने वाले वीडियोस के अंदर आपको इस सोनी ऑन ईयर हेडफोन का एक फाइनल रिव्यू मिलेगा तो आप इसके लिए स्टे ट्यून करना। थैंक यू।